गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन 2, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेसन है जिसका टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, तो आइए स्टार्ट करता हूँ आज का यह लेसन। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, नेल्सन मंडेला जो हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1994 में जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर बनी, तो उस गवर्नमेंट के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए थे। यानी इससे पहले साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट नहीं था। तो आइए शुरू करता हूँ लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। यहाँ से इसका लेसन स्टार्ट हो रहा है 10 मई से। आप लोग ध्यान देंगे, ये 10 मई, ये देखिए ये वाली लाइन है 10 मई, डाउंड ब्राइट एंड क्लियर। मंडेला कहते हैं 10 मई का दिन जो था बड़ा ही शानदार था, सनी डे था, यानी क्लियर था, मतलब साफ सुथरा दिन था, कोई बादल वगैरह या वर्षा वाला दिन नहीं था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। कहता है विगत कुछ दिनों से मैं बड़ा ही प्लीजेंटली, यानी बड़े आराम से, बहुत सुखपूर्वक बिसीज्ड यानी घिरा हुआ था बाय डिग्निटरीज यानी गण्यमान्य एंड वर्ल्ड लीडर्स और दुनिया के नेताओं से, हु वेयर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉगुरेशन। और ये वर्ल्ड लीडर्स या डिग्निटरीज क्यों आ रहे थे, तो कह रहे हैं ये लोग आ रहे थे टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपना सम्मान देने के लिए। किसे सम्मान देने के लिए जी? बिफोर द इनॉगुरेशन, उद्घाटन से पूर्व, उद्घाटन से पूर्व ये सम्मान देने आ रहे थे। किस चीज़ को सम्मान देना है तो आगे पता चलेगा। नेल्सन मंडेला जी फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर दृश्य में आई है, डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार। तो दुनिया भर के नेता इकट्ठे हो रहे थे उस इनॉगुरेशन समारोह में, यानी जिसको आप उद्घाटन समारोह कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस उद्घाटन समारोह में जो है वर्ल्ड लीडर्स पहुंच रहे थे और मंडेला विगत कई दिनों से ऐसे ही नेताओं से घिरे हुए थे और बड़ा अपने आप में सुखी महसूस कर रहे थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी समस्या का भरसक जो
मेरे बस में है, जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट लाइन को लेते हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब क्या कहते हैं कि यह जो इनॉग्रेशन होगा ना, तो इसमें इतनी बड़ी भीड़ होगी जो कि लार्जेस्ट गैदरिंग यानी अब तक की सबसे बड़ी भीड़ होगी, यानी लोगों का जमावड़ा होगा। किसका जमावड़ा होगा जी, बोलिए। तो जमावड़ा कोई साधारण लोगों का नहीं है, यहाँ पर जमावड़ा होगा वर्ल्ड लीडर्स का। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स, ऐसे लीडर्स जो दूसरे दूसरे देशों के हैं। और कहाँ पर गैदरिंग होनी है, साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर इतनी बड़ी गैदरिंग, और वह भी इंटरनेशनल लीडर्स की, पहले कभी नहीं हुई थी। तो आप स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखते जाएंगे, मैं एक एक लाइन को जो है ना एक्सप्लेन करते जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट लाइन। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एमपी थिएटर। मंडेला कहते हैं यह जो सेरेमनीज है, सेरेमनी कहते हैं समारोह को, ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो शब्द है सेरेमनीज, इसको कहते हैं समारोह। तो टुक प्लेस यानी टेक प्लेस को आप पहले समझिए, टेक प्लेस मतलब किसी भी घटना का होना। तो यह समारोह कहाँ होने वाला है, इन द लवली सैंड स्टोन एमपी थिएटर। कहाँ होना है, खूबसूरत सा लवली, और सैंड स्टोन होता है बलुआ पत्थर। एमपी थिएटर देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, अ बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, ऐसी बिल्डिंग जिसमें रूफ यानी ऊपर की छत नहीं होती, तो उसी बिल्डिंग में होनी है ये समारोह, ठीक है। और यह कहता है एमपी थिएटर जो बनाया गया था बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स एक संस्था है साउथ अफ्रीका की, तो उनके द्वारा यह बनाई गई थी यह इमारत, यह भवन। कैसे, कब बनाई गई थी, जब अफ्रीका आज़ाद भी नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले ही बन चुका था ये। और कहाँ पर है, इन प्रिटोरिया, यह एमपी थिएटर कहाँ है, प्रिटोरिया में है, याद रखना। ये प्रिटोरिया एक बहुत बड़ा टाउन है साउथ अफ्रीका का, प्रिटोरिया। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। मंडेला कहते हैं दशकों पहले यह जो एमपी थिएटर था ना, वाइट सुप्रीमेसी यानी गोरे अधिकारियों की सीट हुआ करता था, गोरे अधिकारी लोग, गोरे गोरे लोग यानी जो वहाँ के जो उस समय शासक वर्ग के लोग थे उनके लिए यहाँ सीट हुआ करता था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन मंडेला कहते हैं आज बात दूसरी है, आज यहाँ कोई वाइट सुप्रीमेसी वाला लोग नहीं है, आज तो यहाँ पर कहता है रेनबो गैदरिंग होगी यहाँ पर, यानी सतरंगे, रेनबो में सात रंग होता है, तो रेनबो गैदरिंग सतरंगी भीड़ यहाँ पर जमा होगी ऑफ डिफरेंट कलर्स, जिसमें अलग अलग कलर के लोग होंगे और अलग अलग नेशंस के, नेशंस राष्ट्र देश को कहते हैं। इसलिए इसलिए ये सब लोग आएंगे भाई। द इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन शब्द हुआ प्रतिस्थापित करना, जैसे आप अपने कंप्यूटर में मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करना मतलब स्थापित करना। तो ये
इंस्टॉलेशन क्या चीज़ का है, ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका का पहला कैसा गवर्नमेंट, फर्स्ट है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक इंडिया में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ठीक उसी तरह का, और क्या नॉन रेशियल, ये नॉन रेशियल, रेस मतलब जाति नस्ल, नॉन मतलब गैर हो गया, कोई जाति पाति नहीं, कोई नस्ल नहीं, तो ऐसा गवर्नमेंट जो इंस्टॉल होने जा रहा था, स्थापित होने जा रही है साउथ अफ्रीका में। तो इनको स्थापित करने के लिए जो समारोह हो रहा है इसमें कह रहा है वर्ल्ड लीडर्स लोगों का जमावड़ा होने वाला था। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर जनानी। फ्रेंड्स याद रखना, एक कंपनी एक शब्द होता है, एक कंपनी मतलब किसी के साथ में होना, किसी के साथ रहना। तो कहता है जो ऑटम डे, लवली ऑटम डे था, बड़ा खूबसूरत प्यारा सा ऑटम डे, पतझड़ का दिन, मेरे साथ में मेरी बेटी जनानी थी। ऑन द पोडियम मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क को पहला जो है डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के रूप में सॉन इन यानी शपथ दिलाई गई। देन उसके बाद फिर क्या हुआ, देन थाबोम्बे की वाज सॉन इन, उसके बाद दूसरे नंबर पर आए थाबोम्बे की, ये भी लीडर थे, तो उनको शपथ दिलाई गई एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आ गई, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माय सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो शपथ में मैंने क्या प्रण लिया इस समारोह में, टू ओबे, आज्ञा का पालन करना, ओबे अनुपालन करना, एंड अपहोल्ड, और अपहोल्ड करना मतलब भी पालन करना, किसका या निर्वहन करना, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैंने प्रण लिया कि मैं खुद को डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। किसके किसके प्रति समर्पण, किसी के प्रति होता है स्टूडेंट्स, तो डिवोट मतलब यहाँ समर्पण, तो किसके प्रति समर्पण है, द वेल बीइंग, वेल बीइंग मतलब कल्याण, वेल बीइंग कल्याण होना चाहिए किसका, ऑफ द रिपब्लिक गणराज्य का, एंड इट्स पीपल और यहाँ की जनता का, यानी यहाँ की जनता और रिपब्लिक के प्रति कहता है मैंने अपने आप को डिवोट करने का, अपने आप को समर्पित करने का प्रण लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, इकट्ठे हुए मेहमानों और दुनिया जो मुझे देख रही थी से मैंने कहा, क्या कहा, अब उनका स्पीच यहाँ से शुरू होता है, क्या कहा देखिए, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू नेवर टू होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। क्या कहा कि आज हम सब मिल करके अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर ग्लोरी, गरिमा प्रदान करें, ग्लोरी मतलब गरिमा गौरव, किसको, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और ये जो नई नई आज़ादी है ना, न्यू बॉर्न लिबर्टी, न्यू बॉर्न जो नया नया जन्म लेता है उसको न्यू बॉर्न कहते हैं, तो यहाँ पर आज़ादी अभी अभी मिली है इसलिए
साउथ अफ्रीका की जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उसको मंडेला न्यू बॉर्न लिबर्टी कहते हैं कि मैं न्यू बॉर्न लिबर्टी जो अभी अभी मिली हुई आज़ादी है, आइए हम सब मिलकर क्या करें, इसे सम्मान दें, इसे गरिमा प्रदान करें। और आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। क्या कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का, किस चीज़ का, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, अनुभव किस चीज़ का है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण ह्यूमन डिजास्टर मानवीय त्रासदी दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक चला था, ठीक है। तो इस त्रासदी के लंबे अनुभव से मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, कहता है एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। कैसा समाज का जन्म होना चाहिए, ऐसे समाज का जिस पर संपूर्ण मानवता गर्व करे, यानी पूरे यूनिवर्स की मानवता को गर्व हो, ऐसी जो है समाज, ऐसा ही समाज का जन्म होना चाहिए। वी वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, कहता है ज़्यादा अभी समय नहीं हुआ है, थोड़े ही दिन पहले, कुछ ही दिन पहले क्या करते थे हम लोग क्या हुआ करते थे, आउटलॉज, गुंडे हम लोगों को माना जा रहा था, हम लोग गुंडे थे, यानी गैर कानूनी काम करने वाले हुआ करते थे। लेकिन हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, लेकिन आज हम लोगों को रेयर प्रिविलेज मिला है। रेयर प्रिविलेज का मतलब, रेयर कहते हैं दुर्लभ को, दुर्लभ, और प्रिविलेज मतलब सौभाग्य। तो आज हम लोगों को दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, किस चीज़ के लिए, टू बी होस्ट, होस्ट करने का, मेजबानी करने का टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, किसकी मेजबानी, दुनिया के राष्ट्रों का, ओवर ऑन आवर ऑन सॉइल, अपनी ही धरती पर, अपनी ही मिट्टी पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और अंत में मंडेला कहते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को कि वे हमारे इस साउथ अफ्रीका की धरती पर आए और उन्होंने सम्मान दिया हमारी जनता को, हमारे देश को, और आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, और कहता आखिरकार यह जो जीत है, जो आज़ादी मिली है, किस चीज़ की आज़ादी है, किस चीज़ की जीत है, फॉर जस्टिस, न्याय की जीत हुई है, फॉर पीस, और शांति की जीत है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय गरिमा की यह जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मंडेला कहते हैं अंततः हम लोग अपनी राजनीतिक आज़ादी, फ्रीडम, इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम, तो हम लोगों ने राजनीतिक आज़ादी, मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेस्ड आवर सेल्फ, कहते हैं मंडेला कि हम लोग खुद प्रण लेते हैं टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द
continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. आज हम लोग क्या शपथ लेते हैं, क्या प्रण लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को, सारी जनता को क्या करेंगे, जो लगातार चली आ रही है बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी का बंधन, डिप्राइवेशन, अभाव, सफरिंग और लोगों की जो कष्ट पीड़ा लोग सहते आए हैं, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर यानी स्त्री पुरुष का जो भेदभाव और अन्य प्रकार के जो भेदभाव हैं, हम इन सभी समस्याओं से क्या करेंगे, अपनी जनता को लिबरेट करेंगे. ये लिबरेट करना मतलब होता है मुक्त करना, आज़ाद करना. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. कहता है इतने गौरवशाली मानवीय उपलब्धि का सूरज कभी डूबने नहीं देंगे. लेट फ्रीडम रेन, आज़ादी जिंदाबाद. गॉड ब्लेस अफ्रीका. अफ्रीका को गॉड भगवान आशीर्वाद दें. तो डियर फ्रेंड्स, आज का लेसन मैं यहीं समाप्त करता हूं. आपको यदि यह वीडियो पसंद आया, लगता है कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.